वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि लास्ट 3 से 4 दिन मैंने लगातार कल्कि की अपडेट्स दी हैं, रोजाना ही वीडियो बनाई है और हर वीडियो में आपको यूनिक अपडेट्स मिलती थी, कमाल की, एक से बढ़कर एक। अब कल मैंने वीडियो नहीं बनाई तो बहुत से, इवन कि एक भाई का मुझे मैसेज आया है, फनी उसका मैसेज था, हंसने लगे थे वो भाई। कहते हैं कि यार भाई मैं कल्कि की वीडियो का वेट कर रहा हूं, आज भी कुछ बताओ यार इस फिल्म से रिलेटेड, इंटरेस्टिंग हो रही हैं अपडेट्स ना। तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो के अंदर भी कल्कि को लेकर काफी सारी न्यू कमाल की अपडेट्स हैं। ट्रेलर की मैं आपको अपडेट देने वाला हूं, टीजर की तो इससे पहले दे ही रहा था ना, ट्रेलर की अपडेट भाई साहब, ट्रेलर की अपडेट टीजर से भी ज्यादा अच्छी निकली है, कमाल हो रहा है। ट्रेलर की अपडेट है, डबिंग की अपडेट है, कुछ और यूनिक अपडेट्स हैं, तो ये सारी। हाँ, डांस नंबर, भाई आप सोचोगे कि कल्कि के अंदर भी डांस नंबर, ये क्या हो रहा है, तो मैं भी वही सोच रहा हूं, तो उसकी अपडेट्स निकाली तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ। तो डांस नंबर की अपडेट, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना है ताकि भाई साहब ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। और हाँ, चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कर लिया करो, आपके कौन सा पैसे लगने, और लाइक में तो पैसे लगने ही नहीं है, तो एक बटन दबाना है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। लाइक करेंगे तो YouTube इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करेगा। नाउ अपडेट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब मैं आपको अपडेट दूंगा डबिंग की। डबिंग का जो वर्क है भाई साहब वो स्टार्ट हो चुका है। इस फिल्म के अंदर एक एक्टर है अयाज पाशा, टीजर के अंदर उनका एक बड़े मजे का भाई साहब रोल भी था, टीजर का नाम है ग्लिम्स के अंदर ना। तो अयाज पाशा ने भाई साहब इस फिल्म की डबिंग का काम स्टार्ट कर दिया, उनका पोस्टर आया हुआ था। अब भाई साहब यहां पर बताने का ये मकसद नहीं है कि अयाज पाशा ने डबिंग का काम स्टार्ट किया है, बताने का मकसद यह है कि फिल्म की डबिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तक ये बिलीव नहीं था, इवन के बिलीव था लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यार ये फिल्म 9 मई को आ सकती है। अभी इसकी शूटिंग चल रही है, पोस्ट प्रोडक्शन, पैच वर्क, ये सारी चीजें, इतनी बड़ी फिल्म है तो ये 9 मई तो अभी भाई सब देखो, फरवरी भी ऑलमोस्ट समझो क्या, मार्च एंड अप्रैल 2 महीने, तो 2 महीने के बाद ये कैसे आ सकती है। तो देखो ये डबिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये बताने का मकसद ये है कि मेकर्स इस फिल्म को ऐसे लेकर चल रहे हैं ना, जैसे स्पीड है, जैसे फ्लैश बग, जैसे सुपरमैन भाई साहब वो भागता है, क्या करता है, जो भी है, उड़ता है स्पीड के साथ, उस तरीके से भाई साहब मेकर्स चल रहे हैं, हर चीज का काम हो रहा है। VFX 6 कंपनीज ने संभाला हुआ है, उन 6 कंपनीज का नाम भी था आया है भाई साहब, मतलब कि हर चीज में स्पीड, इधर से पैच वर्क, इधर से शूटिंग, ये वो एक्सेट्रा। तो जो कि देखा जाए तो लगता है कि मेकर्स पैसा 9 मई को आ रहे हैं और आगे पीछे बिल्कुल भी मूव नहीं होने वाले। इसके बाद गाइस जो अपडेट निकल कर आई है वो है इस फिल्म के डांस नंबर को लेकर। देखो न्यूज ये है कि इस फिल्म के अंदर एक डांस नंबर शूट हुआ है, प्रभास का एंड दिशा का नाम साथ बहुत ज्यादा आ रहा है, बट मैं ऐसा मानता हूं कि इस फिल्म का जिस तरह का टॉपिक है, या जिस तरह की ये वर्ल्ड वॉर टाइप, या टाइम ट्रेवल टाइप, या फिर इंडियन हिस्ट्री टाइप, अगर मैं इसको बोलूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ी कमाल की न्यूज है, इसके बाद वो मैं आपको देता हूं, वो सुनकर मुझे लगता है लोग मुझ पर हंसेंगे, क्योंकि अपडेट ही, मैं भी पहले ऐसा था, आप भी हंसोगे। तो खैर पहले डांस नंबर की बात हो रही है, तो डांस नंबर भाई साहब मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं होने वाला। अब देखो ना, ये जो अभी अपडेट आई है ना डांस नंबर की, ये अभी अभी इन दिनों में आई है कि प्रभास एंड दिशा के बीच में कोई सीक्वल भाई साहब फिल्माया गया है, जो कि डांस नंबर सॉन्ग टाइप है। अब देखो आपको पता होगा कि लगभग 1 महीना पहले ही मैं, या आपको कहीं और से भी अपडेट मिल गई होगी कि कल्कि की शूटिंग एंड हो चुकी है, अब पार्ट 2 की शूटिंग चल रही है, यानी कि मेकर्स कहीं ना कहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में, या मेकर्स के पास टाइम है तो वो अभी से पार्ट 2 की शूटिंग के लिए रेडी है, पार्ट 2 की शूटिंग कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पार्ट 1 में नहीं, मे बी पार्ट 2 में भाई साहब इनका कोई गाना हो सकता है, क्योंकि देखो कास्ट बहुत बड़ी है ना भाई साहब, प्रभास है, अमिताभ बच्चन है भाई साहब, दीपिका है, छोटे मोटे एक्टर्स तो भाई साहब छोड़ दो, दुलकर सलमान है, उसके बाद भाई साहब अपना
कमल हसन है, NTR का कैमियो, दिशा है, भाई साहब तो ये सारे एक्ट्रेस हैं, तो भाई एक फिल्म होती, 3 घंटे की फिल्म होगी तो 3 घंटे में किसको कितना दिखाएंगे, कहानी कैसे दिखाएंगे, ये सारी चीजें मैनेज करके चलने में तो भाई साहब बहुत, देखो एक वेब सीरीज हो ना तो फिर एक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर एक फिल्म है तो फिल्म में इतने सारे कैरेक्टर्स के टाइम्स को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, तो अब भाई साहब नागेशवन कैसा करने वाले हैं ये देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद चलते हैं भाई साहब जो मैंने कहा कि अपडेट सुनकर आप हंसेंगे, देखो इस अपडेट को एज अ र्यूमर ही लेकर चलना, क्योंकि मैं भी इसको फिलहाल बहुत बड़ा र्यूमर लेकर चल रहा हूं कि कल्कि के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मल्टीपल पार्ट्स यानी कि 9 पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स। अब जब मैंने सुने ना मैं हंसने लग गया, मैंने कहा यार मैं एक फिल्म के 9 पार्ट क्या मजाक चल रहा है, तो भाई साहब फिर अपडेट्स जो देखी उसके अकॉर्डिंग ये फिल्म इंडियन हिस्ट्री पर बेस होने वाली है मॉडर्न वे में, तो अगर ये क्लिक करती है तो इसके इतने पार्ट्स यानी कि 9 पार्ट्स बने तो ये फिर भी खत्म नहीं होती। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा फर्स्ट पार्ट पे। देखो एक बात याद रखिएगा, आज से पहले भी बहुत से मेकर्स ने बोला कि भाई पार्ट 1 आ रहा है, पार्ट 2 फिर आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, ये वो, लेकिन पार्ट 1 ही फ्लॉप हो जाता है जिस वजह से पार्ट 2 बनता ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि कल्कि का पार्ट 1 कैसा निकलता है, अगर तो अप टू द मार्क यानी कि एक्सपेक्टेशंस को बीट करता है, बजट भी देखो 700-800 करोड़ बजट है, सारी चीजें निकलती हैं, देन तो नो प्रॉब्लम, फिर तो कमाल धमाल बवाल होने वाला है। लेकिन लेट सपोज, बात है ना हमें दोनों वे से सोचना चाहिए, दोनों वे से लोग नहीं सोचते। देखो सालार ने, अगर मैं एक तरफ से बोलू ना कि सालार के 1000 करोड़ ना करने के पीछे ना एक तो क्लैश है डंकी वाला, दूसरी चीज मुझे कहीं ना कहीं नजर आती है हमारी जो उम्मीदी थी सालार एंड KGF का कनेक्शन, एंड टाइम पे हमें पता चला, अगर वो हमें पहली, देखो जैसे अभी टॉक्सिक रॉकी भाई की नेक्स्ट फिल्म, ये न्यूज आई कि टॉक्सिक के अंदर शाहरुख खान है, उनको अप्रोच किया गया है। अब देखो ये कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं थी, अगर ये पूरा साल चलती रहती, हम बात करते रहते, मैं, मुझे कोई अपडेट मिलती मैं बताता, कोई र्यूमर आता मैं बताता, ये अपडेट्स लेकर हम चलती रहते और लास्ट में पता चलता शाहरुख खान नहीं है, तो एक अलग डिफरेंट सिनेरियो होता, लेकिन अभी से ही पता चल गया है, खुद रॉकी भाई ने बोल दिया कि शाहरुख खान मेरी फिल्म टॉक्सिक में नहीं है, तो भाई क्लियर हो गया, अब इसके बाद नो हाइप नो होप, तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट होती है, तो दैट्स व्हाई पार्ट 1 का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं हम ट्रेलर की अपडेट पे, ट्रेलर की अपडेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, अपडेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक में अप्रैल की ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई है। देखो फर्स्ट वीक में यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में कल्कि का ट्रेलर को रिलीज करना, यानी कि कल्कि की एक्चुअल रिलीज डेट 9th of May से 1 महीना पहले ट्रेलर को रिलीज करना है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेकर सेम टू सेम सालार वाली मिस्टेक तो नहीं करने लगे। देखो मैं आज भी कहता हूं सालार के मेकर्स को पहला ट्रेलर रिलीज ही नहीं करना चाहिए था, उनको वो जो दूसरा सालार रिलीज ट्रेलर था सिर्फ वो रिलीज करना चाहिए था, और अगर सिर्फ वो ट्रेलर रिलीज होता 200 करोड़ की ओपनिंग लगती है इस फिल्म को, ये मैं वादा नहीं कर रहा। तो अभी कल्कि के मेकर्स 1 महीना पहले क्यों ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं, क्या फिर 1 महीने पहले ट्रेलर रिलीज करके बाद में कोई और कंटेंट आएगा, क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा फिलहाल। बट मैं गाइस पर्सनली ऐसा मानता हूं कि आज के इस टाइम में ट्रेलर को मूवी से बिल्कुल 1 हफ्ता पहले या मैक्स 10 दिन पहले आना चाहिए, और ट्रेलर पाप लेवल हो फिर ऑडियंस की अलग लेवल पे चली जाती है। बाकी अब आप लोग बोलेंगे कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में अगर ट्रेलर है तो क्या अभी 8th March जिसका बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि कोई कंटेंट है, स्पेशल चीज है, तो क्या फिर वो हम ना समझे। तो देखो मैं अभी भी बोलूंगा कि मैनी मैनी चांसेस के 8th March को ब्रांड न्यू पोस्टर तो पक्का है, लेकिन वीडियो कॉन्टेंट में क्या पता ये वो स्क्रैच वाला कोई ना दिखा दे, मैं टीजर का सोचकर बैठा हूं, तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं आजकल में अपडेट जरूर आएगी। और मैंने पहले आपको बताया था कि इसी मंथ फरवरी के लास्ट दिनों में अपडेट आ जाएगी कि 8 मार्च में क्या होने वाला है, सो जैसी कोई न्यूज मिलती है जरूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है मेरा भाई, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।